तुम ना हमेशा मुझे रुलाते रहते हो। तुम तो चाहते ही नहीं कि मैं खुश रहूं, तुम चाहते हो कि मैं बस रोती रहूं। तुम्हें मुझे प्यार ही नहीं है। आए बड़े। हे हाय गाइस, कैसे आप लोग? क्या आप भी उन लोगों से ऐसे लड़ते रहते हैं जो आपसे प्यार करते हैं? क्या आप अपने दुख का, अपने गम का बोझ हमेशा अपने प्यार करने वालों पर डालते हैं? क्या आपको लगता है आप खुश नहीं हैं क्योंकि आपको बाकी लोग खुश नहीं रख रहे हैं? तो आई थिंक ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हमारी खुशी के जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। हम अक्सर उन लोगों को दोष देते हैं जो हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। हम लोगों को लगता है कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमें खुश रखें। हो सकता है अगर आपको ऐसा लगता है कि उनकी जिम्मेदारी है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप भी उनको खुश रखें? अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप दो लोगों के एफर्ट से चलती है। हर इंसान को अपना 50-50 नहीं 100% देना पड़ता है। लेकिन रिलेशनशिप के अलावा भी आपकी एक अपनी दुनिया है जिसमें आप हैं। ये जरूरी तो नहीं कि जो इंसान आपसे प्यार करते हैं उन्होंने ठेका ले रखा है कि वो 24 घंटे आपको खुश रखेंगे, तो इसलिए उनको फॉर ग्रांटेड ना लें। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद उठाएं। तो आइए आज बात करते हैं बहुत ही सिंपल टिप्स की जिनसे आप खुद को खुश रख सकते हैं। सबसे पहले एक्सेप्ट करें, इस चीज को रियलाइज करें, इस चीज को मान लें कि आपकी खुशी आपके अंदर है, किसी और की वजह से आप खुश नहीं रह सकते हैं। हो सकता है आपके प्यार करने वाले आपको बहुत खुशी देते हों, लेकिन प्लीज उसे फॉर ग्रांटेड ना लें, क्योंकि वो हमेशा के लिए नहीं होती। हो सकता है उनका भी मूड खराब हो, या हो सकता है कि आप लोग साथ ना हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो इसीलिए अपनी खुशी को कहीं और ढूंढने के बजाय अपने अंदर ढूंढे। सेकंड पॉइंट। दूसरी बात ये कि हर रोज अपनी एक हॉबी को परस्यू करें। जैसे कि आपको डांस करना पसंद है, तो 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट, आप आधा पौना घंटा भी कर सकते हैं, डांस करें। पेंट करना पसंद है, पेंटिंग करें। आपको टीवी देखना पसंद है, जो भी आप करना चाहते हैं, पर हर दिन एक नई चीज करें ताकि इससे आप बोर ना हो, इससे आपका इंटरेस्ट खुद के साथ डेवलप हो। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद के साथ एंजॉय करना सीख लेते हैं, तो फिर आप अपनी खुशी के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते। तो इसीलिए खुद के साथ टाइम स्पेंड करें। थर्ड पॉइंट, खुद की सुने। खुद की कैसे सुने? बैठ जाएं एक जगह, आंखें बंद करें, खुद के दिमाग को रिलैक्स करें और खुद से पूछें कि मुझे इस लाइफ से क्या चाहिए, क्या रीजन है कि मैं खुश नहीं हूं। अक्सर हम लोग अपने आप से ही खुश नहीं होते, लेकिन हम दोष दूसरों को देते हैं कि हम उनकी वजह से खुश नहीं है। तो खुद से पूछें कि आप लाइफ में खुद से क्या चाहते हैं। नेक्स्ट, खुद को माफ करें। आप आज जहां हैं, जिस पोजीशन में हैं, जिस सिचुएशन में हैं, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। लेकिन क्या आप चाहते हैं अगले 5 साल या 10 साल भी आप खुद को ब्लेम करते रहें कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, या मेरी ही वजह से मैं आज इस हालात में हूं? नहीं ना। तो आज ही अपने लिए कुछ करें, खुद को ब्लेम करना बंद करें, खुद को माफ करें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट, कंपैरिजन ना करें। कभी भी खुद को कंपेयर ना करें बाकी लोगों से। जैसे कि आपको लगता है, अरे उस इंसान के पास तो पैसे बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वो बहुत खुश रहते हैं, ट्रिप्स करते हैं, यूरोप घूमने जाते हैं, ऑल दैट। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। क्यों ना आप अपने आप को इस तरीके से स्ट्रांग बनाएं, या इस टूवर्ड्स वर्क करें कि आपके पास भी ज्यादा पैसा हो, आप ज्यादा मेहनत करें, अपना कुछ नया खोलें। खुशी सिर्फ पैसे से नहीं मिलती, खुशी एक इंटरनल फीलिंग है जिसे आपको रियलाइज करने की बहुत जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रीद, सांस ले। अरे ये क्या बात कर रही हो तुम? सांस ले? सांस तो मैं रोज लेता हूं। हाँ, मैं भी रोज लेती हूँ, बट हम ये रियलाइज नहीं करते कि हम सांस ले रहे हैं। हम बस जी रहे हैं, हम बस चलते जा रहे हैं, हम बस दौड़ते जा रहे हैं, हम भूल गए हैं कि हम सांस भी ले रहे हैं। सुबह उठें, पेड़ों के पास जाएं और लंबी लंबी सांस लें। इससे आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी और आपको एक बहुत ही कामिंग इफेक्ट मिलेगा। तो प्लीज़ ब्रीथ। नेक्स्ट, नेचर के साथ टाइम बताएं। जितना हो सकता है, जितना आपके पास टाइम है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा नेचर के साथ टाइम बिताएं। बाहर चल रही हवा को महसूस करें, नॉट जब जब धूल मिट्टी उड़ रही हो। नहीं, तब नहीं, जब आपको ठंडी हवा चल रही हो जो आप टॉलरेट कर सकते हो। चिड़ियों की आवाज़ को सुने और नेचर की ब्यूटीफुल क्रिएशन को देखें, आपका माइंड फिट रहेगा और काम रहेगा। इसके अलावा हमारी खुशी जब
आप हेल्दी नहीं होते, फिट नहीं होते, तब भी हमारी खुशी कम हो जाती है, क्योंकि हम बीमार हो जाते हैं और बीमार में भी हमारा मन दुखी रहता है और फिजिकली भी हम दुखी रहते हैं। इसलिए खुद को फिट रखें, एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, आपको जिस तरीके से लगता है कि आप फिट रह सकते हैं, जिम जाएं, खुद को फिट रखें। इस चीज को एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना माने, फिटनेस आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए कि हाँ मुझे वॉक करने जाना ही है, ये मेरा पार्ट है। इसको एक एक्स्ट्रा वर्कलोड, एक्स्ट्रा बर्डन ना लें। मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, अपने आप को मेंटली फिट रखें। जब आप फिजिकली और मेंटली फिट होंगे तो आने से ज्यादा खुश हैं तो अपने आप ही आपके पास में जाएंगे। आप इंटरनली खुश फील करेंगे, इंटरनली हैप्पी फील करेंगे। याद रखें, आपको खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। यदि ये जिम्मेदारी आप खुद नहीं ले सकते तो आपको कोई हक नहीं कि आप किसी और से उम्मीद करें कि वो आपको खुश रखें। खुद से प्यार करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप खुद को खुश रखने के लिए क्या करते हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।